क्या आप बनना चाहते हैं डॉक्टर और इंजीनियर? क्या आप तैयार हैं आने वाले जेई और नीट एग्जामिनेशन के लिए? अगर नहीं तो हम कर सकते हैं आपकी मदद। हमारा न्यूली डिजाइन ऑनलाइन कोर्स आपको इन एग्जामिनेशन में एक परफेक्ट स्कोर दिलवाने में, रैंक दिलवाने में आपकी मदद कर सकता है। विजिट कीजिए डेमो लेक्चर्स के लिए www.chemistryvideolecture.com पर। फिजिक्स के एग्जामिनेशन के बाद बच्चों के दिमाग में न्यूमेरिकल्स का एक फोबिया ज़रूर बैठा हो सकता है। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स का पेपर काफ़ी बच्चों के मैसेज से मालूम पड़ा कि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल उसमें हाई साइड पे रहा, हाई एम पे रहा, और उसके अलावा न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी रहे। आई थिंक 25 मार्क्स के अराउंड न्यूमेरिकल्स वहाँ पर रहे। अब केमिस्ट्री में क्या 25 मार्क्स के तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में एक फोबिया ज़रूर बैठ गया कि भाई न्यूमेरिकल्स परेशान करने के लिए होते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो किस तरह से सॉल्व करें। आज उसी फोबिया को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ। आइए जानते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, कुछ मेथड आपको बताता हूँ। आप कोशिश कीजिएगा इन मेथड को फॉलो करें और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने की कोशिश आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ज़रूर सॉल्व होंगे। एक ज़माना था जब न्यूमेरिकल पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता था। उस वक्त जहाँ तक हमें याद है, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के लिए एक अलग बुक लगवाया करते थे, पी बहादुर की बुक आया करती थी। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल न्यूमेरिकल वहाँ पे रहा करते थे, हम उस बुक का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में न्यूमेरिकल के बारे में ऐसा नहीं है, वो ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। अब न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट टू द पॉइंट आने हैं, डायरेक्ट आने हैं, जो आपके लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं होने वाले हैं। अब ध्यान रखें किन किन बातों को समझना चाहिए। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को मैक्सिमम स्टूडेंट से गलती इसी वजह से होती है कि वो स्टेटमेंट को सही ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। मैं ये कहूँगा, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट अगर पढ़ने में आपको एक मिनट का समय लगता है तो आप 3 मिनट का समय लगाइए। यानी जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को बहुत गौर से अंडरस्टैंड करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि स्टेटमेंट ना समझ पाने की वजह से 60 से 80% बच्चे अपने न्यूमेरिकल्स को गलत करके आते हैं। केमिस्ट्री में कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं आएगी जहां पर आपको उलझना पड़े, क्योंकि 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, उसी में से क्वेश्चन पूछा जाना है और उसमें भी कोई खास डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। मैं यहाँ पर पहले सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बात करता हूँ, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे और आइए न्यूमेरिकल के साथ साथ ही आपको कुछ बातों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने यहाँ पर फार्मूलों को लिख के रखा है, आप किसी भी चैप्टर के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके सभी फार्मूलाज को पहले बना के रख लीजिए। एक फार्मूला चार्ट आपके पास बना के रखा होना चाहिए। 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, मैं छोटे छोटे से एक पेज पे 3 कॉलम बना लो, वहीं पर ये सारे फार्मूले आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे पहले मोलैरिटी का फार्मूला। अब मोलैरिटी का फार्मूला, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी का फार्मूला। नॉर्मैलिटी को मोलैरिटी से ही निकाल सकते हैं, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी इंटू मोलैरिटी। तो अगर न्यूमेरिकल में नॉर्मैलिटी निकालनी है तो नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी, मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी। दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है? यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये दोनों के अंदर फ़र्क होता है। एक ही स्ट्रेच में फार्मूले याद रहेंगे। सॉल्यूशन में कई जगह मोल फ्रैक्शन शब्द का भी इस्तेमाल होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना सीख लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्व। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। अगर आपने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 में से माइनस करके बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मोल फ्रैक्शन से कंसर्न कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा यहां पर लैंड करेंगे, मोलैरिटी मोलैरिटी से आएगा तो सीधा इधर आएंगे। उसके अलावा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फार्मूला है, डेल्टा टी बी आई के बी इंटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ आई के एफ इंटू एम।
ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये फार्मूले गिवन। इन फार्मूलाज को पहले अच्छे से एब्जॉर्व कीजिए, और यकीन मानिए आपको इनको याद करने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। सारे के सारे फार्मूले दिमाग में, हम इंसानों में होता है ना, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड, यानी जितना हम एक बार में देख पाते हैं हम उसी पे भरोसा करते हैं। आप कहीं बैठे हैं, अपने सामने जिन चीज़ों को देख रहे हैं आप उस पर भरोसा करेंगे, उसके पीछे क्या हो रहा है, उससे दूर क्या हो रहा है, आप इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए ज़रूरी है फार्मूलाज को एक जगह लिख के रखना, ताकि आपको वो आपकी साइट में ही दिखें, आपका दिमाग उस पर भरोसा करे, और दिमाग को थोड़ा सा हम ये कहें बुद्धू बना के रखना बेटर होता है। के ए इज इक्वल टू सी एल्फा स्केयर 1 माइनस एल्फा, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट के ए होता है। एक दो न्यूमेरिकल ऐसा है जहाँ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालना है, वहाँ इसका इस्तेमाल करें। अब न्यूमेरिकल में अगर बॉइलिंग पॉइंट शब्द आ गया तो आपको यहाँ पर इस पर घूमना है और इसमें वैल्यू को पुट करना है। मोलैलिटी का फार्मूला आपको पहले बता दिया है। अगर न्यूमेरिकल में फ्रीजिंग पॉइंट शब्द आ गया तो फ्रीजिंग पॉइंट पे ही आपको घूमना है और यहीं से आपको सॉल्व करना है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया, आपको यहीं पर घूमना है और इन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इन फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, बेशक से स्क्रीनशॉट होगा आपके पास तो आगे इनको याद करने में आसानी रहेगी। अब जो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पर तुरंत फार्मूला आपने यहां से बता देना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, अभी मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले रहा हूं, साथ साथ सॉल्व करें ताकि कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ खुद के लिए बता के चला जाऊं और आप प्रैक्टिस कुछ कर ही ना पाएं, तो मैं सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे उन्हीं में से ले रहा हूं। आइए सबसे पहले न्यूमेरिकल पे गौर कीजिए, क्या क्या कहा गया। कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, एक्वो सॉल्यूशन है, डेंसिटी दी गई है और आपको मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। ध्यान रखिए न्यूमेरिकल में हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, हर स्टेप के। स्टेटमेंट को एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो, अच्छे से गौर से पढ़ो और फिर उसमें क्या क्या दिया गया है उन वैल्यूज़ को लिखो। जैसे आपसे कहा है 20% एक्वस सॉल्यूशन। अब 20% का मतलब हुआ वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम। 20% का मतलब 20 ग्राम इन 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, ये 20% का मतलब हुआ। सॉल्यूशन और सॉल्यूट का वेट है तो सॉल्वेंट का वेट भी हम प्रिकॉशनरी लिख लेते हैं और वो वेट आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी योर 80 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट हम इसको कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। अब देखिए आपको सबसे पहले सपोज यहाँ मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी का फार्मूला लिख लीजिए। अच्छे से जानते हैं, अभी बताया था वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये फार्मूला है। आपने वैल्यूज़ को ज़रूर लिखना है, डेंसिटी दी गई है डेंसिटी को भी लिख लो, फिर आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब आप खुद देखोगे कि न्यूमेरिकल आपसे ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 इंटू 1000, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपको 166, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है आपको 80। बस कैलकुलेशन के अपने जौहर दिखाइए, आपकी मोलैलिटी का पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही जब आपसे कहा मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी में आप जानते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास है, सर्च करो ये वैल्यू कहाँ पर है, कौन सी वैल्यू। वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, 1000 वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया गया। आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया। आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी या वेट अपॉन डेंसिटी। वेट ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी है, ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा,
पुट द वैल्यू. सो यू कैन से वेट हो गया 20 × 1000, मॉलिक्यूलर मास 166. और वॉल्यूम निकालेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 100 है और डेंसिटी है 1.202. यहाँ से सॉल्व करने से मोलैरिटी आपके पास आ जाएगी. इस तरह से आपको मोलैरिटी सॉल्व कर लेनी है. फिर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, जो कि बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट. ये इसके बराबर. अब नंबर ऑफ मोल हमें नहीं दिए गए, लेकिन हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट. अभी अभी मैंने फार्मूला बताया था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. ऐसे ही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. आपके पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्यूट 20, मॉलिक्यूलर मास 166. ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80, मॉलिक्यूलर मास 18. सॉल्वेंट अगर मेंशन ना हो हमेशा वाटर, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट आ गए, पुट द वैल्यू और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आएगा. इस तरह का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन में आने हैं वहाँ के लिए बनता है. ध्यान रखिए, जो दो दो तीन तीन नंबर के न्यूमेरिकल आने हैं उसके लिए इस टाइप का न्यूमेरिकल कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आपको देके ऑब्जेक्टिव में उलझाया जा सकता है. स्टेटमेंट दे देंगे, कह देंगे द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी. अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाता है, वन में से माइनस कर दो, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, मोलैरिटी विल बी, मोलैरिटी विल बी. तो देखो, ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर तैयार करना है तो ये मान लो कि भाई अलग से कहीं से पके पकाए नहीं मिलने वाले हैं. जो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे हमसे हमारे इंस्टीट्यूट में बैच में पढ़े हैं उनको जो हमने कॉपी में लिखवाया है उस कॉपी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. उस कॉपी में जो लिखा है किताब में भी जाने की ज़रूरत नहीं है. जो उस कॉपी में लिखवाया है और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे आपको अच्छे से गौर करना है, इन्हीं चीज़ों को आपने अच्छे से लर्न करना है. यही चीज़ें हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएंगी, सब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएंगी, नीट और जेई की तैयारी भी करवाएंगी. और बाकी जो स्टूडेंट ऑनलाइन चल रहे हैं उनसे मैं यही कह कहूँगा कि जो मैंने लास्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाए थे न्यूमेरिकल्स थे, यहाँ से मेथड सीख लो. और न्यूमेरिकल मैंने आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व करके अभी दिखाया, अभी और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ. बस इस मेथड को अच्छे से जान लो, दो चार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, आपके न्यूमेरिकल का डर हमेशा के लिए हट जाएगा. हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ो, क्या क्या कहा गया. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 50 ग्राम यूरिया डिजोल्व इन 850 ग्राम ऑफ H2O. कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर बताना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताना है. अब अगर वेपर प्रेशर आ गया, पहले तो इन वैल्यूज को लिखो. प्योर वाटर यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को P₀ से रिप्रेजेंट किया जाता है, 23.8 mm, ये आपको दिया गया. 50 ग्राम यूरिया, यूरिया यानी सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट है आपके पास 50 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन है यहाँ पर 850 ग्राम, और आपको बताना है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको बताना है. अभी अभी मैंने कहा था अगर बॉइलिंग पॉइंट आता है तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट आता है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन फार्मूला, अगर वेपर प्रेशर आता है तो वेपर प्रेशर का फार्मूला. और वेपर प्रेशर का फार्मूला था PA₀ - PS / PA₀ = xB. xB का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये होता है. नाउ मोल फ्रैक्शन की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं PA₀ - PS / PA₀, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट. अभी आपको बताया, अब सामने तो लिख के रखो ये फार्मूला. अब रफ में यहाँ एक ट्रिक का इस्तेमाल करो, ये कैलकुलेशन कई बार बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है. ये सॉल्यूशन डायल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, और यहाँ पर अगर आप चाहो तो
इस फार्मूले को ऐसे ही लिखा रहने दो, लेकिन रफ में आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, यानी यहां से आपको एन बी अपॉन एन ए इस फार्मूले का यूज करें। डिनोमिनेटर में से बी एन बी हमने हटा दिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ट्रिक कह लो इस बात को। रफ में इस फार्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व करो, पेपर में बेशक से ये फार्मूला लिखा रहने दो। नाउ पुट द वैल्यू, पी ए नॉट 23.8 और पी ए नॉट 23.8, पी एस आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल अभी फार्मूला सिखाया था आपको किसके बराबर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बस सारी चीजें आ गई हैं, पुट द वैल्यू यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। इस तरह से आपका जवाब बन पड़ेगा आएगा, तो इस बात को खास तौर पे ध्यान रखिए। अच्छा एक और चीज मैं आपसे कहूँगा कि जो मैंने आपको फार्मूले सिखाए, इन फार्मूलों में मैंने ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फार्मूलों में वांट ऑफ फैक्टर का साथ साथ इस्तेमाल किया है। आप जब बुक में पढ़ते हैं तो कई बार ये वांट ऑफ फैक्टर साथ नहीं होता, ध्यान रखिए। आप कहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर यानी आई का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पर आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रख लीजिए। देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट दिया गया है तो वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल होगा ही होगा। सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल, सॉल्ट क्या क्या, NaCl, CaCl2, K2SO4 एटसेट्रा। अगर आपको सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल गिवन, आई आएगा ही आएगा, अगर ये गिवन नहीं है बेशक से आई हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई रखना है या नहीं रखना ये स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप फार्मूले को आई के साथ ही याद रखिए, क्योंकि 90% बच्चा वांट ऑफ फैक्टर की वजह से सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल को गलत करता ही करता है। ये कम से कम मैं आपके पेपर्स को देख के इस बात को जरूर कह सकता हूं। अब देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई पहले ही दिया गया है यानी वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल। डिजॉल्व इन इतना वाटर सो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको इस न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन वो पहले जरूर लिखना है। आपसे कहा वेट ऑफ CaCl2 आपको निकालना है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 निकालना है। आगे आई गिवन है आपको 2.47 आपने लिख लिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है 2.5 लीटर, ये गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई की वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन है। टेम्परेचर पूरी केमिस्ट्री में हमें हमेशा केल्विन में लेना है, 27 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 केल्विन, ये हो गया। तो बस अब समझ जाओ ऑस्मोटिक प्रेशर शब्द आ गया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फार्मूला पाई वी इज इक्वल टू आई एन आर टी, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ हमें पता है एन का मतलब नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर टी। वैल्यू पुट कर लीजिए, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। पाई गिवन है 0.75 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम लीटर्स में लिया जाता है, मॉलिक्यूलर मास CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, क्लोरीन का 35.5 प्लस 35.5, इस तरह से ही आ जाएगा। आर की वैल्यू पाई अगर एटमॉस्फेयर में है तो आई 0.0821, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर आपको गिवन है। तो बस इन सभी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, आपके पास डिजायर्ड जवाब आ जाएगा और उस जवाब को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। NCERT क्वेश्चन है 2.40 नंबर, कल आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, ये यहाँ पर हो गया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन भी NCERT से ही है, 2.41। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। पहले वैल्यूज को पुट कर लो। वैल्यूज में आपको कहा गया है वेट ऑफ सॉल्यूट, और वेट ऑफ सॉल्यूट है 25 मिलीग्राम। इस पूरे चैप्टर में याद रखो, वॉल्यूम जब भी लोगे ग्राम के अंदर, सॉरी वॉल्यूम जब भी लोगे लीटर के अंदर, वेट जब भी लोगे ग्राम के अंदर, ये मिलीग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। 25 into 10 raised to the power -3 ग्राम, ये इसका वेट हो जाएगा।
उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। वॉल्यूम इस चैप्टर में हमने देखा कि हमें गिवन है ये 2 लीटर लिखा। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हमेशा केल्विन में लेना है, दिस इज 298 केल्विन। और फाइंड आउट क्या करना है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखिए किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया तो उसका फार्मूला पाई बी इज इक्वल टू आई एन आर टी मैंने आपको बताया। अब वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल यानी आई का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी अभी आपसे कहा था अगर न्यूमेरिकल में सॉल्ट है, एसिड है, एल्कोहल है तो आई का यूज़ होगा ही होगा। यहाँ पर हमें गिवन है K2SO4 जो कि एक सॉल्ट है और यहाँ पर आई का इस्तेमाल करना ही करना है। K2SO4 इस तरह से स्प्लिट होता है यानी ये हमें टोटल 2 पोटाशियम और 1 सल्फेट यानी आई की वैल्यू कितनी रहेगी 3, ये वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 रहेगी। तो सॉल्ट अगर आ गया तो वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल करना ही करना है। पाई वी इज इक्वल टू आई, एन है नंबर ऑफ मोल दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। अब वैल्यू को पुट कर लो। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2 लीटर, आई की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट कर ली 3, वेट हमें गिवन है ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास पोटेशियम का एटॉमिक मास दिस इज 39 प्लस 39 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। आर की वैल्यू 0.0821, ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, टेम्परेचर आपके पास गिवन है 298 केल्विन। तो बच्चों इस तरह से सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल बिल्कुल भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे। सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली आपसे सॉल्व होंगे। हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल को एक बार और साथ में ट्राई कर लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट एग्जाम 2020 में हमने वांट ऑफ फैक्टर के अलग से न्यूमेरिकल करने के लिए भी वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ और डिटेल में आपको और एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। लेकिन एक बेसिक मेथड जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का था वो आपको हमने यहाँ पर बताया कि सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व होगा। अब सीखते हैं बच्चों कि चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है। हमारा टारगेट है आपके न्यूमेरिकल के खौफ को पूरी तरह से मिटा देना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना। फिजिक्स के पेपर के बाद न्यूमेरिकल पे से आपका भरोसा नहीं उठना चाहिए। ये न्यूमेरिकल आपके लिए आसान है, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल किस तरह से होने हैं आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब बारी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। मेथड हमारा वही है, अप्रोच वही है कि एक पेज पे पहले जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूले यहाँ इस्तेमाल होने हैं उनको हमें लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। पहला फार्मूला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट्स याद रखिएगा, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोल इनवर्स की जगह इक्विवेलेंट इनवर्स यानी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये तीनों हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आपको पजल सबसे पहले यहीं करते हैं, आपको कहा जाएगा कि कंडक्टिविटी गिवन है और ये नहीं मेंशन होगा कि तीनों में से वो कौन सी है, ये आपको यूनिट देख के बताना होगा। यूनिट्स मैंने आपको बता दी हैं, आइदर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, इसको याद रखें। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि इनमें से कौन सी यूनिट मोलर कंडक्टिविटी की करेक्ट है, 4 ऑप्शन होंगे, आपको यहां से इसको मार्क करना है। फिर फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल जहां डिपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ वहां के लिए 2 फार्मूले हैं, वेट एटॉमिक मास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इसको चार्ज कह सकते हैं एन फैक्टर फैराडे। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट इन एम्पियर टाइम इन सेकेंड, इस चीज को साथ साथ लिखते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लोगे तो दिमाग उस बात को उतने अच्छे से ट्रैक नहीं करता,
जो मैं बोल रहा हूं अगर उसे लिखोगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह लो, कूलम्स कह लो, चार्ज कह लो, और इसकी जगह हम कह सकते हैं करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकेंड, पर्टिकुलरली टाइम इन सेकेंड। वेट को अगर एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एन फैक्टर फेरड। एन फैक्टर से हमारा मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग अ प्रोसेस, उसे एन फैक्टर कहते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जहां आपको यह पता लगाना है, कंडक्टिविटी मेजर करनी है, ये रहे, अमाउंट डिपॉजिट पता लगाना है, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भी इक्वेशन सामने है। नर्नस्ट इक्वेशन, कई लोग नर्नस्ट इक्वेशन भी बोलते हैं, जो आपसे बोला जाए, नर्नस्ट इक्वेशन, ई एम एफ ऑफ सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एन फैक्टर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब नर्नस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल को पहचानने मुश्किल नहीं आएगी, ये अलग से आपको दिया जाएगा, आप आसानी से पहचान सकते हो। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट, अगेन एन क्या आ गया, एन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, फेराडे 96500 कूलम्स इसकी वैल्यू, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल गिवन होगा, अदरवाइज कैथोड माइनस एनोड की वैल्यू से इसका पता लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर निकालना हो तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आरटी लॉग के सी। अब ये दोनों के दोनों आपसे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, आपसे पूछ लेंगे कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा फार्मूला गलत है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा। इन फार्मूलों को अच्छे से रट लो, कॉपी पे लिख लो, चार्ट बना के दीवार पे चिपका लो, क्योंकि जितने भी दिन एग्जाम की तैयारी के बचे हैं ये सामने के सामने आपको याद रहने चाहिए। अब न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर मेरी मानो, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, आपसे डेफिनेटली सॉल्व होगा क्योंकि एटीट्यूड मैं डेवलप करवा चुका हूं। कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर, तो मैंने सिखाया था पहले जो गिवन है वो आपको लिखना है कि कंसंट्रेशन है 0.20 मोलर, मोलैरिटी गिवन है, और कंडक्टिविटी 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये कौन सी कंडक्टिविटी है, ये तो मेंशन नहीं है, स्पेसिफिक है, मोलर इक्विवेलेंट है, क्या देखोगे आप इसमें, यूनिट्स देखोगे, यूनिट्स क्या है इसकी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसकी यूनिट होती है, ध्यान रखिए ये यूनिट होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी कप्पा की, ये आपको के कहते हैं या कप्पा भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया 0.0248, और निकालनी है आपको मोलर कंडक्टिविटी, आपको निकालनी है, बस फार्मूला है आपके पास, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, ये आप अच्छे से जानते हो, कप्पा आपको गिवन है, मोलैरिटी आपको गिवन है, पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर, बहुत इजीली, इन द वेरी इजी मैनर यू कैन गेट योर आंसर, बस थोड़ा सा न्यूमेरिकल के बारे में एटीट्यूड को ये मान के चलो आपसे सॉल्व होगा, जरूर होगा। न्यूमेरिकल के सिंघम मान के चलो अपने आप को कि आपकी पकड़ से कोई न्यूमेरिकल छूट ही नहीं सकता, ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फेराडे फॉर 20 ग्राम डिपोजिशन। अब डिपोजिशन का जहां भी क्वेश्चन आएगा कि भाई इतना डिपॉजिट होना है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, तो सीधी सी बात है फेराडे लॉ का न्यूमेरिकल है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यानी क्यू, क्यू की वैल्यू निकालनी है, और इन टर्म्स ऑफ फेराडे, फेराडे के टर्म में जवाब चाहिए, वेट हमारे पास है 20 ग्राम, और जहां तक एटॉमिक मास की बात है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम हमें पता होना चाहिए 40। अब अगर वेट गिवन है तो वेट वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, वेट एटॉमिक मास क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एन फैक्टर इनटू फेराडे, ये फार्मूला हमारे पास होता है। हमें निकालना है कि भाई हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यानी क्यू निकालना है, वेट गिवन है, दिस इज 20, एटॉमिक मास 40, क्यू हमें निकालना है, फेराडे की वैल्यू पुट ही नहीं करनी क्योंकि फेराडे के टर्म में जवाब बताना है, एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, CaCl2 में से आएगा कैल्शियम प्लस 2, और किस में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम, आपको कैल्शियम डिपॉजिट करना है, तो सीधी सी बात है या तो कैल्शियम की वैलेंसी याद रख लो, नहीं तो आप कैल्शियम क्लोराइड Ca+2 की फॉर्म में है, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, गेन करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन का, बस पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर क्यू इज इक्वल टू 20 × 2 × f/40, और इस तरह से 1 फेराडे आपके पास यहां पे जवाब आ जाएगा, फेराडे के टर्म में आपका जवाब बनेगा, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अगले क्वेश्चन पे चलो,
और वीडियो पॉज करके कोशिश करो इसको आप यहीं पर अपने आप सॉल्व कर लो। इसमें मैं बताऊं मुझसे पहले ही आप इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद वीडियो प्ले करके दोबारा से इसके सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो। देखिए इसमें क्या कहा गया, 5 एम्पियर करंट। अब एम्पियर करंट यानी सी की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, टाइम गिवन है आपको 20 मिनट, और आपसे कहा गया है वेट आपको निकालना है, निकल का कितना डिपॉजिट हुआ, और एटॉमिक मास गिवन है आपको 58.6, ये आपको एटॉमिक मास यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है आपको। अब क्योंकि वेट गिवन है तो वेट वाला फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वेट एटॉमिक मास क्यू डिवाइडेड बाय एन इन टू ए, क्यू होता था क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जगह सी इन टू टी करंट और टाइम दिया गया है, तो मैंने आपको क्यू की जगह बताया था यहाँ क्या आएगा, करंट इंटू टाइम एन फैक्टर इंटू फेराडे, ये आपके पास बनेगा। नाउ पुट द वैल्यू, ध्यान रखो टाइम मैंने आपको किस में बताया था, सेकंड्स में, यहाँ किस में गिवन है, मिनट में। यूनिट का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है, टाइम आपको सेकंड में लेना है, इस बात को भूलिएगा नहीं। बस पुट द वैल्यू, वेट आपको निकालना है, एटॉमिक मास आपके पास है एन फैक्टर, निकल, निकल की वैलेंसी 2, एन फैक्टर 2, फेराडे 96500 आपके पास होता है, तो बस पुट द वैल्यू यहाँ पर, और ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका जवाब कुछ इस तरह से आएगा, W 58.6 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, और इस तरह से आप वेट की वैल्यू को यहां पर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपका ये क्वेश्चन फेराडे लॉ के बेसिस पे सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन फेराडे सेकंड लॉ के ऊपर भी बेस्ड है, आप उसको भी वहां आसानी से देख के सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में भी समझ सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। सॉल्व करते हैं नर्नस इक्वेशन का न्यूमेरिकल, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जामिनेशन में ऑप्शन में भी अवेलेबल हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखिए इस बार के जो पेपर पैटर्न है ऑब्जेक्टिव का, इसकी यही खास बात है कि न्यूमेरिकल को, आसान से न्यूमेरिकल को ऑब्जेक्टिव में भी बना के दिया जा सकता है, तो आपको इन पे खास तौर पे गौर करना है। नर्नस इक्वेशन एक क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी होगी, ध्यान रखिएगा इस सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड वाला एनोड, राइट हैंड वाला कैथोड, एनोड कैथोड, रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले, कैसे लिखते हैं रिएक्शन, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जिंक सॉलिड गिव्स यू जिंक प्लस टू एक्वस, जिंक सॉलिड गिव्स यू जिंक प्लस टू एक्वस, देखो लेफ्ट में जिंक सॉलिड, राइट में जिंक प्लस टू। अब जिंक से जिंक प्लस टू कब मिलेगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कैथोड की रिएक्शन लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यानी लेफ्ट में है कॉपर प्लस टू एक्वस गिव्स यू कॉपर सॉलिड, और कॉपर प्लस टू कॉपर सॉलिड में कब बदलेगा, जब ये दो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। हमेशा ध्यान रखो कि एनोड इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और कॉपर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, जो भी चार्ज में डिफरेंस हो उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, जो भी चार्ज में डिफरेंस हो उतने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, यह भी एक मेथड है इस बात को आसानी से पता लगाने का। अब इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, सपोज यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते, यहां 3 होते, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो कैंसिल करते, हमें इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। इक्वेशन को आप बना लें, दिस इज जिंक सॉलिड कॉपर प्लस टू एक्वस, जिंक प्लस टू कॉपर सॉलिड, आयन हमेशा एक्वस का ही होगा, और इस तरह से ये इक्वेशन को हमने यहां पर बना लिया। अब नर्नस इक्वेशन लिखिए, नर्नस इक्वेशन क्या थी, नर्नस इक्वेशन थी ई सेल ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड ये आपको दिया गया था, और फिर था माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द पावर कोएफिशिएंट। देखो ई नॉट कैथोड का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब कैथोड आपको कौन बताया, मैंने अभी आपको बताया कैथोड कौन है, कॉपर, और कॉपर का पोटेंशियल गिवन है आपको 0.34 वोल्ट, ये गिवन है। एनोड कौन है आपका, जिंक, और इसका पोटेंशियल गिवन है -0.76। तो इस तरह से ये हमने ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, 0.0591 एन फैक्टर, एन फैक्टर यानी पर रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन है, 2 इलेक्ट्रॉन का है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर। अब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टर, एक काम ध्यान से करना,
सॉलिड को पहले ही नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है, सॉलिड को पहले ही नेगलेक्ट कर दो। अब प्रोडक्ट में आगे जिंक आयन, तो हम कहेंगे जिंक आयन कंसंट्रेशन रेस टू द पावर कॉफिशियंट, एक्स और वाई जो है कॉफिशियंट, कॉफिशियंट कितना है 1 डिवाइड बाय रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में कौन है कॉपर आयन, और कॉपर आयन कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास 1। बस अब तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो 1.10.0591/2 लॉग जिंक आयन कंसंट्रेशन कितनी है, दिस इज 10^-3, और कॉपर आयन कितनी होगी 10^-4, यानी लॉग 10 1.10.0591/2 लॉग 10, और लॉग 10 कितना होता है 1। अगर आपको लॉग और एंटीलॉग नहीं देखना आता तो YouTube पे टाइप करेंगे लॉग एंटीलॉग, पहला ही रिजल्ट हमारा वीडियो आएगा, वहां से लॉग एंटीलॉग देखना सीख सकते हैं। लॉग टेबल आपको एग्जामिनेशन सेंटर में दे दी जाती है, तो लॉग एंटीलॉग आपको आना चाहिए। लॉग 10 की वैल्यू 1, तो 1.10-0.0591/2 इतनी इक्वेशन को सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को और डिटेल्ड वे में हमारी प्लेलिस्ट एग्जाम 2020 के अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपको देंगे। कोशिश कीजिए इस प्लेलिस्ट को जरूर अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, न्यूमेरिकल का डर आपके दिमाग से बिल्कुल अच्छे से हट जाएगा, न्यूमेरिकल की कोई भी टेंशन किसी भी तरह की परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो ये हम सारे बता चुके हैं कि कैसे आपको एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहिए। डेल्टा जी के एक न्यूमेरिकल हैं, उनको एक बार अच्छे से आप ट्राई कर लीजिए और देखेंगे आपके पास अब न्यूमेरिकल करना कितना आसान हो जाएगा, कितना इजी हो जाएगा। मिलेंगे आप अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट। हमारे बेस्ट और लो कॉस्ट ऑनलाइन कोर्स